और अब बात करते हैं एक विवाद की, जिसको लेकर यहां पर विज्ञापन को लेकर विवाद यहां पर गहरा रहा है। नरोत्तम मिश्रा जो कि गृहमंत्री हैं सूबे के, उन्होंने निशाना साधा इस विज्ञापन पर। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अभिनेता आमिर खान को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि मेरा अनुरोध है कि ध्यान में रखकर विज्ञापन करें, इस तरह के विज्ञापनों से धर्म विशेष की भावनाएं आहत होती हैं, तो धार्मिक परंपरा और रीति रिवाजों को ध्यान में रखें। तो ये नसीहत दी गई गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की ओर से। उन्होंने कहा कि मेरा अनुरोध है कि ध्यान में रखकर विज्ञापन यहां पर करें आमिर खान, इस तरह के विज्ञापन से धर्म विशेष की भावना आहत होती है, ये उनका कहना है। तो धार्मिक परंपरा और रीति रिवाजों को ध्यान में रखें आमिर खान। आदरणीय आमिर जी से अनुरोध है कि भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर आगे इस तरह के विज्ञापन करें, वो मैं इसे उचित नहीं मानता हूं। इस तरह के तोड़ मरोड़ के जो अभिनय करने से धर्म विशेष की भावनाएं आहत होती हैं, और इसलिए किसी की भी भावना को आहत करने की इजाजत उन्हें नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है। तो हमारे सहयोगी अमृतांशी जोशी इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। अमृतांशी, कहा जा सकता है कि विज्ञापन को लेकर जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और नसीहत के बाद क्या कुछ और रिएक्शंस भी आ सकते हैं? क्या बॉलीवुड से भी कुछ रिएक्शंस इस पर आ सकते हैं? देखिए, लगातार जो है ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पर बॉलीवुड कोई ऐसे विज्ञापन कर रहा है या कोई ऐसा सॉन्ग या मूवी कर रहा है, जिसके चलते जो है मध्य प्रदेश के खासकर नेताओं के वो निशाने पर आ रहा है। और अब निशाने पर देखिए, कुछ दिन पहले सैफ अली खान जो है अपने निशाने पर आए थे रावण के कारण, उसके पहले जो अजय देवगन की मूवी थी उसको लेकर, अब जो है यहाँ पर आमिर खान निशाने पर हैं, क्योंकि एक निजी बैंक के एडवर्टीजमेंट में वो खुद गृह प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये साफ कहना है कि ये भारतीय रिवाज और परंपरा के सख्त तरीके से खिलाफ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसी चीजें नहीं चलेंगी, और ये जो है भारतीय परंपरा के अनुसार एक महिला करती है, लेकिन आमिर खान ये सब खुद करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं जो है वो मध्य प्रदेश के या अन्य धर्म के लोगों की जो है आहत होती है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी ये कहना है कि उनके पास ऐसी कई शिकायतें आई हैं, क्योंकि देखिए हिंदू संगठन ये जो एडवर्टीजमेंट है इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। गृहमंत्री के पास भी ऐसी कई शिकायतें आई हैं, और पूरे मामले को वो है तफ्तीश से जो देखेंगे कि क्या कुछ इससे किसी की धर्म भावना आहत तो नहीं हो रही, क्योंकि गृहमंत्री ने यह साफ कह दिया है कि इस तरीके से जो है धार्मिक भावना जो धर्म विशेष है उनकी काफी ज्यादा आहत होती है। और उन्होंने साथ ही नसीहत भी दी है कि तोड़ मरोड़ कर जो विज्ञापन है वो बिल्कुल भी ना पेश किए जाए, खासकर आमिर खान की तरफ से ऐसी चीजें लगातार सामने आ रही है, देश विरोधी चीजें उनके पहले सामने आई थी, उनका ऐसा कहना है। साथ ही आमिर खान कई ऐसी चीजों में जो है पार्टिसिपेट भी करते हैं जो कि जनता के और धर्म विशेष कहीं ना कहीं खिलाफ होती है। इसी को लेकर यहाँ पर गृहमंत्री ने निशाना साधा, भी देखना होगा कि हिंदू संगठन अपने स्वर इसको लेकर और कितने तेज करते हैं, और अगर मध्य प्रदेश में और भी ज्यादा बवाल इस एडवर्टीजमेंट को लेकर होता है तो सरकार और गृह मंत्रालय इसको लेकर क्या एक्शन लेता है, ये भी देखना काफी ज्यादा जरूरी होगा। जी बिल्कुल अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।